पश्चिमी यूपी के कई माननीय सांसद फिलहाल मुश्किल में हैं। ऐसे सियासतदान के खिलाफ कानूनी शिकंजा कसता जा रहा है। एक एक पर कई कई केस दर्ज हो चुके हैं। गिरफ्तारी की तलवार उन पर लटकी हुई है। इसमें रामपुर का आजम खान परिवार, कैराना के नाहिर हसन और मेरठ में शाहिद इखलाक प्रमुख हैं। आजम परिवार के तो तीन माननीय घेरे में हैं। सबसे पहला चर्चित नाम रामपुर के सांसद आजम खान का है। एसपी सरकार में आजम के मुंह से निकला हर शब्द कानून माना जाता था। अब वो खुद अपने ही घर रामपुर में कानूनी शिकंजे में फंसे हुए हैं। उनके खिलाफ लूट, बकरी चोरी, जमीन कब्जाने जैसे तमाम आरोपों में अब तक 83 केस दर्ज हो चुके हैं। वो 12 अगस्त को बकरीद के त्योहार पर रामपुर आए थे, लेकिन उसके बाद से नहीं आए क्योंकि उनको गिरफ्तारी का डर सता रहा है। दूसरा नाम है उनके विधायक बेटे अब्दुल्ला आजम का। उनके खिलाफ भी पिता की तरह कई मुकदमे पुलिस और प्रशासन ने दर्ज कर लिए हैं। उनको एक दिन पुलिस ने कई घंटे हिरासत में भी रखा था। आजम खान और अब्दुल्ला के पक्ष में एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव रामपुर में आकर अपनी आवाज भी बुलंद कर चुके हैं। उनके खिलाफ भी गिरफ्तारी की तलवार लटकी हुई है। तीसरा नाम है आजम खान की सांसद पत्नी तंजीन फातिमा का। उनके खिलाफ भी हाल फिलहाल में ही पति और बेटे की तरह कई केस दर्ज किए जा चुके हैं। कानूनी शिकंजा लगातार उन पर भी कसता जा रहा है। पिता और बेटे की तरह गिरफ्तारी का डर उनको भी है। अब दूसरा नाम आता है रसूखदार परिवार के नाहिद हसन का। शामली जिले की कैराना विधानसभा सीट से सपा के विधायक नाहिद हसन की गिरफ्तारी कभी भी मुमकिन है। एसपी शामली का कहना है कि कार चोरी और अफसरों से बदतमीजी का आरोप उन पर है। नोटिस देकर गिरफ्तारी संभव है। आपको बता दें कि नाहिद के खिलाफ हाल फिलहाल में कुल 13 केस दर्ज किए जा चुके हैं। नाहिद की मां तबस्सुम दो बार सांसद रह चुकी हैं। पिता स्वर्गीय मुनव्वर हसन सांसद और विधायक रह चुके हैं और उनका नाम वो मिट्टी पलीत करते नजर आ रहे हैं। तीसरा नाम है बीएसपी के इकबाल। बीएसपी के विधान परिषद सदस्य इकबाल ठेकेदार का सहारनपुर में बड़ा कारोबार है। उनके सियासी सितारे भी फिलहाल गर्दिश में हैं। उनके खिलाफ खनन समेत कई एफआईआर दर्ज की जा चुकी हैं। उनकी करोड़ों की संपत्ति जब्त हो चुकी है। उनके भाई और बेटे पर भी केस दर्ज हो चुके हैं। ईडी, सीबीआई और जिला पुलिस की तरफ से गिरफ्तारी का उनको डर है। और चौथा नाम आता है मेरठ के हाजी शाहिद अखलाक का। मेरठ के पूर्व सांसद और पूर्व मेयर हाजी शाहिद अखलाक के परिवार पर भी कानूनी शिकंजा कसा हुआ है। बच्चों के विवाद में फायरिंग करने के आरोप में शाहिद के भाई राशिद अखलाक को हत्या के प्रयास में एक हफ्ते पहले गिरफ्तार किया जा चुका है। बेटे साकिब अखलाक और भतीजे यासिर अखलाक की गिरफ्तारी को दबिश दी जा रही है। शाहिद का शस्त्र लाइसेंस भी निरस्त कर दिया गया है। तो ये है यूपी के वो माननीय विधायक जो अब कानूनी शिकंजे में फंस चुके हैं। अब इनका बचना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। इन विधायकों पर आप भी अपनी राय रखिए, साथ ही आपके अपने चैनल हेडलाइंस यूपी को भी सब्सक्राइब कीजिए।